हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इनको टर्म्स, एक नया टॉपिक है ये इनको टर्म्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एज फार एज और एग्जाम्स आर कंसर्न। सो इसमें बेसिक चीज़ें ये होती हैं इनको टर्म्स में कि एक तरीके से प्री डिफाइंड टर्म्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ की जाती हैं। अगर कोई भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर ट्रेड करता है इंटरनेशनली, सो उसको पता होना चाहिए कि एक एक जो डिफरेंट इनको टर्म्स हैं उनका बेसिक मीनिंग क्या है और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग द शिपमेंट एंड शिपमेंट एंड कैरिज ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो कि आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पर कैरी और फॉरवर्ड किए जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर इनको टर्म्स। इनको टर्म्स आर द सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड थ्री डिजिट अल्फाबेटिकल टर्म्स दैट आर वाइडली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। हर एक टर्म को यहाँ पे तीन अल्फ़ाबेट में एब्रिवेट कर दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक आपकी फ्री कैरियर अगर है FCA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो FCA अगर है तो FCA में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की कहाँ पर लाई करती है और एक इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस केस में क्या होती है। जितनी भी इनको टर्म्स है उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सो नेक्स्ट इज दे आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट्स लीगल अथॉरिटीज एंड कस्टम्स ऑफिसर्स वर्ल्ड वाइड। जो भी आपके पास इनको टर्म्स डिफाइन कर रखी गई हैं वो एक एक कस्टम डिपार्टमेंट को भी पता होती है, हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको भी क्लियरली डिफाइंड होती है, ठीक। और इसके अलावा जितने भी आपकी लीगल अथॉरिटीज वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी पूरी इसकी फुल नॉलेज होती है। फर्स्ट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1936 बाय द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले 1936 में इसको पब्लिश किया गया था और जो लेटेस्ट अपडेट है वो 2010 की है, मतलब 2010 में लास्ट अपडेट हुई थी इनको टर्म्स, उसके बाद से अभी तक कोई भी इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया है। दे स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द इनको टर्म्स वॉज अपडेटेड इन 2010, हैंस द नेम इज इनको टर्म्स 2010। दे आर अपडेटेड रफली एवरी 10 ईयर्स विद द लास्ट एडिशन बींग इनको टर्म्स 2000, ठीक है। इसके पहले 2010 के पहले 2000 में इसको पहले अपडेट किया गया था, उसके बाद से कुछ एक आध इनको टर्म्स थी जिनको वहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया और कुछ को मर्ज कर दिया गया था इनको टर्म्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज द रूल्स ऑफ इनको टर्म्स हेल्प टू क्लियरली डिफाइन वॉट ऑब्लिगेशंस बोथ द बायर एंड द सेलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रू आउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बायर्स और सेलर्स की, मतलब इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड या फिर रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन दैट दे आर कैरिंग आउट बिटवीन देम। दे हेल्प टू अवॉइड एनी कॉस्टली डिसअग्रीमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय लिस्टिंग द रोल्स ऑफ ईच एंटिटी इन द ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे किसी भी एक पार्टी पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े, जिसकी वजह से इनको टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि हर एक जो भी यहाँ पे इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर इन्वॉल्व है किसी भी ट्रांजेक्शन में, सो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से पता हो। दे कवर द एरियाज ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन टू ईच पॉइंट ऑफ द शिपमेंट, प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस, पेइंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स, क्लियरिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड क्लियरिंग फॉर इम्पोर्ट। ये सारे यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं बेसिकली जिनको यहाँ पे इनको टर्म्स में कवर अप किया गया है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हो गया, इसके अलावा क्लियरेंस चार्जेस होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के, सो वो कौन सी पार्टी पे करेगी और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस जगह पे कहाँ कहाँ अप्लाई की जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ इनको टर्म्स, ये सारी इनको टर्म्स हैं जो कि डिफाइंड की गई थी, ठीक है, 2010 में बेसिकली। ये हम पढ़ेंगे ये सारी इनको टर्म्स, और ये जो है इनको टर्म्स ये आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं कि अगर आपका जो गुड्स है बाय द मीन्स ऑफ सी वेज जा रहा है तो वहाँ पे ये सारी इनको टर्म्स अप्लाई की जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज एक्स वर्क्स जिसको हम शॉर्ट में अगर एब्रीवेट फॉर्म में ये है, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इट स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्टर्स वर्कशॉप, इसको हम एक्सपोर्टर्स वर्कशॉप बोलते हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे सेलर्स की ऑब्लिगेशंस क्या हैं और बायर के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, इतना समझ लीजिए कि एक्स वर्क्स में जो सेलर आपका होगा, जो एक्सपोर्टर होगा बेसिकली, वो अपने गुड्स को बस मैन्युफैक्चर करवा के अपने गोडाउन में रखवा देगा,
वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहीं तक की है, और बाकी उसके गोडाउन से वो प्रोडक्ट्स निकालने का, वहाँ से अपने पास डिलीवर करने का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सारा का सारा इम्पोर्टर पे करेगा, उस केस में इम्पोर्टर पे करेगा या फिर इम्पोर्टर का एजेंट पे करेगा। सो एक्स वर्क्स में जो एक्सपोर्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो सामान जो है, जो गुड्स हैं, जो भी मर्केंडाइज उसको एक्सपोर्ट करना है, अपने गोडाउन में बस उसको रखवा देगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस द ऑब्लिगेशंस ऑफ सेलर एंड बायर। अंडर सेलर ऑब्लिगेशंस, मेक द गुड्स रेडी फॉर द कलेक्शन एट द सेलर्स प्रमाइसेस। ठीक है, सेलर ने अपनी वर्कशॉप में या फिर अपने गोडाउन में सिर्फ गुड्स को कलेक्ट करवा के वहाँ पे रखवा दिया है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द बायर एट देयर कॉस्ट टू प्रोक्योर एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, एंड असिस्टेंस विद द इंफॉर्मेशन टू अलाउ द बायर टू क्लियर फॉर द एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर इस केस में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सो उस केस में बायर को असिस्ट कर सकता है, बायर को हेल्प कर सकता है टू ऑब्टेनिंग दैट लाइसेंस। कौन हेल्प करेगा? द एक्सपोर्टर। नोटिफाई द बायर दैट द गुड्स आर अवेलेबल। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही मिनिमम ऑब्लिगेशंस है सेलर की, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमाइसेस पे, अपनी वर्कशॉप पे गुड्स को अवेलेबल करवा देना है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कुछ खास नहीं है सेलर की। ठीक है, सो एक्स वर्क्स हैव मिनिमम ऑब्लिगेशंस ऑन द सेलर एंड मैक्सिमम ऑन द बायर। मैक्सिमम बायर पे कैसे है, आइए देखते हैं इसको। नाउ अंडर बायर ऑब्लिगेशंस टू कलेक्ट द लोड, टू कलेक्ट एंड लोड द शिपमेंट एट द सेलर्स प्रमाइसेस। ठीक है, अब सेलर्स प्रमाइसेस जो भी है, जो एक्सपोर्टर का जो वर्कशॉप है या गोडाउन है, वहाँ से सामान को आपको डिस्पैच करना पड़ेगा और अपने यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, सब का सब इम्पोर्टर ही पे करेगा इस केस में। टू क्लियर फॉर द बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, येस ऑब्वियसली आप ही क्लियर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोर्टर की कंट्री से जब सामान निकलेगा तो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो गया, फिर अपने यहाँ सामान लाने का, फिर इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस हो गया, सब कुछ बायर ही पे करेगा इस केस में। टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड प्रोवाइड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और पे द सेलर फॉर देयर असिस्टेंस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेगा और यहाँ पे बेसिकली एक्सपोर्टर हेल्प करेगा, बट इट इज़ ओनली हेल्पिंग इन गेटिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस। जो भी उसके चार्जेस हैं वो बायर ही पे करेगा, दैट विल बी पेड बाय द बायर इटसेल्फ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलर ऑब्लिगेशंस एंड बायर्स ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स अब आपकी यहाँ पे देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि हर एक इनको टर्म्स जो है वो 3 लेटर में शॉर्टेड है, 3 लेटर में उसको अब्रिवेट किया गया है। तो यहाँ पे EXW इट स्टैंड्स फॉर एक्स वर्क्स या फिर एक्सपोर्टर्स वर्कशॉप। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इनको टर्म, दैट इज फ्री कैरियर, FCA। अब यहाँ पे क्या दोनों की ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेट्स सी। टू ईदर शिप द गुड्स टू अ नेम्ड प्लेस विद इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री और लोड द गुड्स ऑन द ट्रक अपॉइंटेड बाय द बायर। अब यहाँ से जो है एक्सपोर्टर की जो ऑब्लिगेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हुई है, एक्सपोर्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ना स्टार्ट हुई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसे जगह पे वो सामान ले जाना है या फिर ऐसी प्लेस पे ले जाना है सामान, या फिर ऐसी ट्रक पे लोड करना है, लोड करवाना है जिसको बायर ने अपॉइंट किया हुआ है। यानी यूं कहें कि जो भी कैरियर जो होगा, जो बायर ने अपॉइंट कर रखा है, उस कैरियर तक सामान को डिलीवर करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेलर की होगी, वो एक्सपोर्टर की होगी। टू क्लियर द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट और टू द प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू एन एक्सपोर्ट एजेंट सिलेक्टेड बाय द बायर। जो भी बायर का एजेंट होगा उसको सारे क्लियरेंस चार्जेस पे करने होंगे, लेकिन पे कौन करेगा यहाँ पे करेगा एक्सपोर्टर। ठीक है, इट विल बी पेड बाय द एक्सपोर्टर। और टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, सो लाइसेंस भी एक्सपोर्टर को यहाँ पे ऑब्टेन करना पड़ेगा अपने ही एक्सपेंस पे। कवर ऑल द लॉसेस और डैमेज अंटिल द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। ठीक है, ये जो प्लेस है और जो जिस ट्रक पे सामान लोड करवाना है वहाँ तक ले जाने का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी डैमेज हो जाएगा इन केस, उस सब का कंपनसेशन एक्सपोर्टर ही पे करेगा उस केस में। सो यहाँ पे जो है एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। नाउ बायर्स ऑब्लिगेशंस में टू अरेंज ट्रांसपोर्ट टू द फाइनल डेस्टिनेशन वंस द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। ठीक है, जब गुड्स उस प्लेस पे पहुंच गए हैं जहां पे सेलर ने बोला था, यानी कौन सी प्लेस पे, इस नेम्ड प्लेस पे। ठीक, उसके बाद से ले जाने का जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी खर्चा होगा, वो सब अब बायर पे करेगा। टू
टू क्लियर फॉर द इम्पोर्ट एंड हैंडल द पे फॉर द इम्पोर्ट फॉर्मेलिटीज़। अब अपनी कंट्री में इम्पोर्ट सामान हो चुका है, जितना भी इम्पोर्ट चार्जेस होंगे, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होंगे, वो सब बायर पे करेगा। कवर ऑल द लॉसेस और डैमेज फ्रॉम द पॉइंट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सेलर अनटिल दे अराइव एट द फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस प्लेस के पहुँचने के बाद जितना भी अब नेक्स्ट प्लेस पे, यानी जो इम्पोर्टर की कंट्री है वहाँ पे ले जाने का जो भी एक्सपेंस होगा वो सब इम्पोर्टर पे करेगा, और साथ ही साथ अगर कोई डैमेज हो जाता है अब उस केस में तो वो बायर पे करेगा। मतलब इस प्लेस तक ले जाने का कंपनसेशन और डैमेज सेलर देखेगा, और उस प्लेस से अब आगे जब गुड्स जाएगा टू द इम्पोर्ट डेस्टिनेशन, सो उस पे वहाँ तक ले जाने का जो भी कंपनसेशन चार्ज होगा किसी भी डैमेज का, वो बायर पे करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलर एंड ऑब्लिगेशंस बाय सेलर बायर ऑब्लिगेशंस ऑफ फ्री कैरियर। नाउ नेक्स्ट इज डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस में अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिकली अंडर सेलर ऑब्लिगेशंस टू अरेंज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर प्रमाइसेस टू द बायर प्रमाइसेस और नेम्ड प्लेस। ठीक है, अब इसके पहले क्या था, फ्री कैरियर में या तो प्लेस बता दी जाती थी या फिर एक व्हीकल होता था या एक कैरियर होता था जहाँ पे सामान आपको लोड करवाना होता था, लेकिन यहाँ पे कैरियर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एक सीधे सीधे प्लेस की बात की जा रही है कि इस प्लेस तक इम्पोर्टर कह देगा कि आपको कोई नेम्ड प्लेस होगी, वहाँ पे गुड्स पहुँचाना है, और वहाँ पे ले जाने का जितना भी एक्सपेंस होगा और जितना भी डैमेज का खर्चा होगा वो सारा का सारा एक्सपोर्टर पे करेगा। टू क्लियर फॉर द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज और लॉस अंटिल द गुड्स अराइव एट दिस नेम्ड प्लेस। ठीक है, इस नेम्ड प्लेस पे गुड्स अराइव होने का जितना भी खर्चा होगा वो सब इम्पोर्टर सब एक्सपोर्टर पे करेगा उस केस में। मस्ट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड। अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है सो यू हैव टू प्रोवाइड इट। कौन प्रोवाइड करेगा, द एक्सपोर्टर। नाउ अंडर बायर ऑब्लिगेशंस दो ही ऑब्लिगेशंस हैं यहाँ पे, टू क्लियर फॉर द गुड्स फॉर द इम्पोर्ट एंड अनलोड द गुड्स एट डिलीवरी लोकेशन। जब ये नेम्ड प्लेस पे वो सामान पहुँच जाएगा फिर वहाँ पे जो भी अनलोडिंग के चार्जेस होंगे वो बायर पे करेगा इस केस में। सो फॉर द टाइम बींग लेट्स कीप इट शॉर्ट। ठीक है, आज सिर्फ ये तीन इनको टर्म्स डिस्कस करेंगे, बाकी जो इनको टर्म्स बची हुई हैं वो वी विल ट्राई टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।